जहां पर खाप प्रधान पर हमले को लेकर पंचायतें लामबंद हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई जा रही है। एसपी से मिलकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कादियान खाप के प्रधान पर जानलेवा हमला हुआ था और खाप प्रधान बिल्लू हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नीरज बवाना गैंग से जुड़े गैंगस्टर ने जिम्मेवारी ली थी। तो झज्जर खाप प्रधान पर हमले को लेकर पंचायतें लामबंद, आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर नाराजगी जताई जा रही है और एसपी से मिलकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। तो तय समय में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी दो बाल बाल के, तो उस बारे में आज एसपी साहब से मिले थे। पुराने एसपी साहब तो उसमें जुड़े हुए थे, नए एसपी साहब ने भी आज आश्वासन दिया हम 27 से काम करेंगे, आप क्लब की हिमाचल तमाम खापों के प्रधानों ने आश्वासन दिया हम आपके साथ हैं, आप हमारी मदद। आज मुझसे खाप के प्रधान और कई लोग मिले हैं उस क्षेत्र के, और उनसे विस्तृत में बात भी हुई है मेरी, और इसमें ऑलरेडी जो हमारी पुलिस है और एसटीएफ है वो लगी हुई है, हमारी सीआईए भी लगी हुई है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए, और कुछ हमें अभी जो है इसमें पता चला है, कुछ डिटेल्स आई हैं सामने, उन पे कार्य चल रहा है, और उनसे भी जो बात हुई है कुछ सूचनाएँ और पता चली हैं, तो हम इस पर भी कार्य कर रहे हैं और शीघ्र अति शीघ्र ही हम जो है इसको ट्रेस आउट कर देंगे। तो जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। जगदीप, आपसे जानना चाहूंगी, खाप प्रधान पर हमले को लेकर पंचायतें लामबंद हैं, लगातार उनका ये कहना है कि जो पुलिस है वो कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है, और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब जो इस पूरे मामले को लेकर तेजी होनी चाहिए जांच में वो भी नहीं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या मांगे हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले को गठित हुए पखवाड़ा भर हो चुका है, और आपको साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो है झज्जर के एसपी जो है उनका तबादला हो गया, और अभी पिछले 4 रोज से नए एसपी अर्पित जैन यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये भी थोड़ी सी इसमें खामी रही है कि एसपी के बदलाव के कारण थोड़ी सी डिले जरूर हुई इसमें जांच। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि झज्जर की, रोहतक की सीआईए स्टाफ दोनों जगह का और दिल्ली पुलिस की भी इसमें मदद ली जा रही है, क्योंकि साथ लगता हुआ एरिया है दिल्ली का, तो वहां से मदद ली जा रही है। और जो इसके अंदर पुलिस की निशानदेही पे अभी तक जो भी आरोपी इसमें पुलिस ने निशानदेही किए हैं, हालांकि किसी का नाम सामने नहीं आया है, उनको लेकर दिल्ली पुलिस को साथ लिया गया है, दिल्ली के सीआईए स्टाफ और स्पेशल स्टाफ को साथ लिया गया है, ताकि जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचा जाए। आज एसपी ने जो पंचायत थी उसको भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे, और हमें कुछ मजबूत सुराग हाथ लगे हैं, उन्हीं की बिना पे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और आज भी झज्जर के एसपी जो है पिजन, उन्होंने एक मीटिंग ली है, अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है इसी मामले को लेकर सीआईए और अन्य स्टाफ की, तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है जगदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।